आरपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियां हुई और गिरफ्तारियों के बाद में अब उन्हें सिलसिलेवार जो है कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पेपर लीक की कल खबर आई थी, कल से ही लगातार इसमें एक्शन हो रहा था और जो भी गिरफ्तारियां हुई, गिरफ्तारियों के बाद अब ये जानकारी मिल रही कि सभी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सभी आरोपियों को कोर्ट ने युवतियों को 2 दिन की रिमांड पर भेजा है और अन्य आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। ये एक अपडेट इसमें हम आपको दे दें। गिरफ्तारियां हुई और गिरफ्तारियों के बाद अब जो है कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद रिमांड मिली है 2 दिन की। जो महिला अपराधी इसमें है, आरोपी रहे, उनको 2 दिन की और जो पुरुष हैं आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर सौंपा गया है। अविनाश जगनावत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। अविनाश, कोर्ट में पेश किया गया, रिमांड मिल गई, अब आगे क्या? बिल्कुल, देखिए आगे अब कड़ी से कड़ी को जोड़ा जाएगा। पेपर लीक हुआ है ये तो कल ही चुप हो गया था जब आरपीएससी को उदयपुर पुलिस ने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। लोक परिवहन सेवा की बस जो पेपर बरामद हुआ था वो भेजा और उसमें करीब 80% से भी ज्यादा प्रश्न जो है वो मिले थे, तो पेपर आउट हो गया। लेकिन अब इसके पीछे कौन सा गिरोह है, कौन कौन लोग शामिल है, क्या कोई बड़े लोग भी इसमें शामिल है या ये गिरोह केवल बैनर के क्षेत्र के लिए ही काम कर रहा था या प्रदेश के अन्य जिलों में भी इन्होंने लाखों रुपए लेके पेपर बेचे है, ये तमाम कड़िया जो है, ये तमाम सवाल है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। उसके बारे में जो मुख्य सरगना है सुरेश कृष्ण, उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो सुरेश गाबा और भूपी जिन्होंने की सुरेश कृष्ण को पेपर उपलब्ध कराया था उनके बारे में भी पुलिस सुराग जता रही है। उनकी गिरफ्तारी होनी तो है जरूरी है क्योंकि पेपर जो सुरेश बिश्नोई के पास आया था वो इन दोनों ही लोगों के पास आया था, तो ऐसे में कितने में ये सौदा हुआ और इन लोगों ने और किन किन को पेपर बेचा है, क्योंकि अभी तक पुलिस के पास कड़ी जो है, कल जब इसकी रीता शर्मा मीडिया से मुखातिब हुए थे उन्होंने कहा था कि ये जालोर क्षेत्र का ही में ही है और अभी तक उसके बाहर कहीं से भी इनसे पूछताछ में पेपर बेचना नहीं आया है। लेकिन क्योंकि पेपर सीधा सुरेश बिश्नोई के पास नहीं आया था, उसको भी किसी और ने दिया है, तो उन्होंने और किन किन को दिया है और कितने लोगों तक ये पेपर सर्कुलेट हुआ है, तो और इसके अलावा भी क्या कोई पेपर लीक हुआ है, तो इन तमाम सवालों के जवाब जो है ये 5 दिन की डिमांड पे जो आरोपी है और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन को लेके होंगे और इसमें कई ऐसे अहम सुराग भी मिलेंगे और कई चौंकाने वाले खुलासे भी होंगे जो की परीक्षा को लेके काफी महत्वपूर्ण जो है वो माने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अविनाश इन तमाम जानकारियों के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।